फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू बजाज पल्सर 125 का फ्रेंड्स दो एडिशन, ये यहाँ पे कार्बन एडिशन में, दूसरी यहाँ पे नियॉन एडिशन में। तो दोनों ही बाइक्स में अगर आप देखते हैं तो आपको ये जो मॉडल हमने यहाँ पे रखा है वो सिंगल सीट वाला मॉडल है। दोनों की जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो 8,000 रुपये के अप्रॉक्स का है, सेम मॉडल है, बट यहाँ पे डिफरेंस जो है वो प्राइस का काफ़ी अच्छा खासा है। तो आज के इस वीडियो में आपकी सभी डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। अगर आप भी 125 सीसी सेगमेंट में फ्रेंड्स एक न्यू बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे, स्पेशली पल्सर 125 को, तो आपके लिए फ्रेंड्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आप 8,000 रुपये तक अपना जो है वो सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑन रोड प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है, मतलब कार्बन एडिशन विद सिंगल सीट वाला, ये आपका जा रहा है लगभग 1,05,800 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, 1,05,800 रुपये के अप्रॉक्स में। और ये जो मॉडल है ये फ्रेंड जा रहा है 97,500 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो दोनों मॉडल्स में आप देख सकते हैं लगभग 8,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि अगर आप कार्बन एडिशन में देखेंगे तो आपको ग्राफिक्स यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे आपको टैंक पे ज़्यादा ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, पल्सर का लोगो मिलेगा 3D में, और वहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंपल से ग्राफिक्स मिल जाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा ग्राफिक्स आपको नहीं मिलता इसके जितना। और वहाँ पे आपको इंजन काउल जो है वो लगा हुआ नहीं दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्रेंड्स लगा हुआ है, और इसमें भी ग्राफिक्स जो है वो एडेड है। तो इससे क्या है कि लुक्स काफ़ी अच्छा आता है बाइक का। और यहाँ पर भी आपको ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिलेगा फ्रंट के फेंडर पर, यहाँ पे आपको सिंपल सा फ्रेंड्स फेंडर मिलता है। और अगर आप फ्रंट यहाँ पे हेड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी यहाँ पे बिग कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इसमें आपको मिलता है बट छोटा सा। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ मिलता है। बाकी अगर आप देखते हैं यहाँ पे अलॉय व्हील्स, तो दोनों में ही आपको रिम टेप्स यहाँ पे मिल जाता है। टायर प्रोफाइल सेम है, 80 सेक्शन का टायर आपको दोनों बाइक्स में यहाँ मिल जा रहा है। आप यहां से देख सकते हैं 80 सेक्शन का आपको यहां पे भी टायर मिलता है, 80x100 का 17 इंच के अलॉय व्हील पर माउंट है। 240mm का कंपनी यहां पे आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कर रही है, और रिफ्लेक्टर्स दोनों बाइक में आपको देखने को मिलेगा फ्रंट के टेलीस्कोपिक फोक्स पर। बट यहां पे अगर आप देखते हैं तो इसमें यहां पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है कार्बन एडिशन वाला, वहाँ पर आपको ग्राफिक्स जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है। और अगर आप रेयर के भी पैनल को देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा है, और यहाँ पर आपको कार्बन एडिशन वाले जो ग्राफिक्स है वो मिलते हैं। और रेयर का अगर हम टायर का बात करते हैं तो दोनों में ही 100 सेक्शन का कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ 100x90 का है, यहाँ भी 100x90 का है। बाकी दोनों में रेयर का जो सस्पेंशन है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम आपको मिल जाता है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर्स एडजस्टेबल। और सीट्स यहाँ पे आपको डुअल टोन में इसमें मिल जाता है, उसमें भी फ्रेंड्स आप अगर आप देखते हैं तो डुअल टोन में ही आपको मिलेगा, और ग्रैब हैंडल सिंगल में आपको दोनों बाइक्स में मिलता है। तो यहाँ से आप बैक से लुक देख पा रहे होंगे। बाकी अगर आप टैंक पैड देखते हैं तो इसमें भी लगा हुआ है, और इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टैंक पैड लगा हुआ मिलता है। तो कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी पेंट की क्वालिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े स्पार्किंग वाले जो कलर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ सिंपल ब्लैक कलर रखा गया है। तो ये सबसे फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स जब आप बाइक परचेस करते हैं उस टाइम पर। तो अगर आप चाहें फ्रेंड्स, अगर आपकी उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो आप अलग से इंजन काउल परचेस करके लगा सकते हैं इस मॉडल में भी, जो कि लगभग 1,000 से 1,500 रुपये के अप्रॉक्स में आपका लग जाएगा। और अगर आपको फ्रेंड्स इंजन काउल की ज़रूरत नहीं है तो आप उस मॉडल के साथ जा सकते हैं, उसमें लगभग में आप जो है वो अपना 8,000 रुपये के अप्रॉक्स में जो है वो सेव कर लेंगे। और बाकी यहाँ पे इंजन आपको सेम मिल जाता है, मीटर सेम मिल जाता है, लाइट्स आपको कंपनी सेम प्रोवाइड कर रही है हैलोजन बल्ब में, इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में मिल रहा है। तो कोई यहाँ पर ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलता है। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स आपकी सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स बेसिक डिफरेंस था वो आपको हमने बता दिया है। मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।